हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे पिज़्ज़ा बन। पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए पहले डो लगाएंगे। ये देखिए, मैंने 3 कप मैदा लिया है। 1/4 कप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। ये इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए इसको पहले से फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ करेंगे तो उसको पहले फर्मेंट करना पड़ता है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। सबको मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये देखिए, अब इस स्टेज पे इसमें 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का बटर डालेंगे। 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से मलेंगे। ये देखिए, हमारा बिल्कुल स्मूथ सा डो बन गया है। ना ये हार्ड है ना ही पतला है, ऐसा ही हमें डो लगाना है। इसके ऊपर थोड़ा ऑलिव ऑयल या बटर का हाथ लगा देंगे। पिज़्ज़ा बन के डो को ढक के गर्म जगह पे 1 से 1.5 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे कि जब तक ये साइज में डबल हो जाए। पिज़्ज़ा बन के लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन ले लें। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे। 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक बिल्कुल छोटे साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। 1 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची डालेंगे। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, 2 टेबल स्पून उबले हुए कॉर्न डालेंगे। 2 टेबल स्पून पीली शिमला मिर्ची डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हरी शिमला मिर्ची डालेंगे। अगर सब कलर की नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक कलर की है तो एक कलर की भी डाल सकते हैं। 1/4 कप लाल शिमला मिर्ची डालेंगे। कोई भी सब्ज़ी आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं और 2 टेबल स्पून ये एलेपिनो पिकल जो आता है मार्केट में ये लिया है। 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। अच्छी तरह से सबको मिला देंगे। अब इनका पानी सूखने तक इनको पकाएंगे। सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, हाई फ्लेम पे बस इनका पानी ड्राई करेंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से सब्जियाँ एकदम पानी छोड़ देती हैं। नमक जब ये ठंडी हो जाएंगी तब डालेंगे बाद में। पिज़्ज़ा सॉस में तो थोड़ा नमक होता ही है। ये देखिए, सब्जियों का पानी ड्राई हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जियों के बिल्कुल ठंडा होने का वेट करेंगे। ये देखिए, ये 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर है। 100 ग्राम इसमें मोजरेला चीज़ डालेंगे ग्रेट की हुई। जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो ठंडी हो गई है, वो इसमें डाल देंगे। सब्जियां बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही डालें वरना चीज़ मेल्ट हो जाएगी। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और हमने पिज़्ज़ा सॉस डाली थी उसमें भी नमक होता है। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। पिज़्ज़ा बन की स्टफिंग बन गई है। अब डो को चेक करेंगे। डो को फर्मेंटेशन के लिए रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साइज़ में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब इसको पंच कर देंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसको मल लेंगे। अब इसके पेड़े कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, सभी पेड़े बन गए हैं। पिज़्ज़ा बन हम सिंपल तरीके से
एक पेड़ा लेके इसको फ्लैट करके स्टफिंग भर के बन की तरह से भी बना सकते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बताऊंगी। एक पेड़ा ले लेंगे, बाकी को ढक के रख देंगे, सूखे मैदा से डस्ट कर लेंगे। इसको हम लंबाई में बेलेंगे, नीचे की तरफ से थोड़ा ज्यादा पतला बेलेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको बेल लेंगे और इस तरफ में जो हमने स्टफिंग तैयार की है, ये देखिए इस तरीके से स्टफिंग रख देंगे। फोल्ड करके अच्छी तरह से दबा के इसको ये देखिए अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे। नाइफ से इसके तीन पार्ट कर लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ये पिज्जा सीजनिंग है, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर पिज्जा सीजनिंग डालेंगे। इस तरीके से इनको फोल्ड कर देंगे। अब देखिए जैसे हम चोटी बनाते हैं, अब इनको इस तरीके से चोटी गूंदेंगे। जो जॉइंट है उसको कोशिश करके नीचे की तरफ कर देंगे। अब इसको ये देखिए इस तरीके से जो ये एक्स्ट्रा वाला है उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा पिज्जा बन बन गया। इसी तरीके से सभी पिज्जा बन तैयार कर लेंगे। एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे जिसमें भी आपको बेक करने हैं। इस तरीके से पिज्जा बन को साथ के साथ बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। मैंने इसको थोड़ा बटर से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए सभी पिज्जा बन शेप हो गए हैं। अब इनको ढक के 15-20 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। पिज्जा बन को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितने फूल गए हैं। अब 2 टेबलस्पून दूध में 1/4 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इससे अपने बंस को ये देखिए इस तरीके से ब्रश कर देंगे। हल्के हाथ से करना है, ब्रश से बन बिल्कुल भी फूट ना जाए। अब सेंटर में थोड़े थोड़े सफेद तिल डाल देंगे। ये मेरे पास ब्लैक तिल भी हैं, अगर हैं तो डाल दें वरना एक कलर के भी डाल सकते हैं। हमारे पिज्जा बन बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको 180 डिग्री के प्रीहीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप बेकिंग कढ़ाई में करते हैं तो इनको उसी तरह कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा बंस बेक हो गए हैं, बहुत ही अच्छे हमारे पिज़्ज़ा बंस बने हैं। अब इनको बटर लगा देंगे। एक आपको काट के बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट अच्छे हमारे पिज्जा बंस बने हैं। लीजिए बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी खूबसूरत से पिज्जा बंस। इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।